हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन एट टी पॉइंट एकेडमी। आप सभी जानते हैं 11.3 जो आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की एक्सरसाइज है, वहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अब जो नेक्स्ट और आपकी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है, दैट इज़ 11.4। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने वॉल्यूम ऑफ कोन एंड उसके पहले जो दो एक्सरसाइज है उनमें सर्फेस एरिया को डिस्कस किया था। तो अगर आपने उनको कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, देन आप यहाँ पर आगे कंप्लीट करेंगे 11.4 को, ठीक है। तो फॉर्मूले मैंने आपको डिस्कस कर दिया था जब 11.3 में करा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है दैट इज़ 4/3 πr³, एंड जो आपका हेमिस्फीयर का होता है वो आपको आधा कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो जैसे आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 cm। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है आपको कि वॉल्यूम यहाँ पर स्फीयर का निकालना है जिसकी रेडियस कितनी है, 7 cm है। तो बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होती है सीधे फॉर्मूले में वैल्यू को रख करके। तो वॉल्यूम की अगर बात करें 4/3 πr³, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स 22/7 हो जाएगी, और यहाँ पर r³ का मतलब ये हो गया कि 7 का क्यूब। लेकिन 7 क्यूब को आप इस तरह नहीं लिखोगे, ना ही 7 क्यूब को कभी फाइंड करोगे। आप क्या लिखो, 7 × 7 × 7, इससे क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, और 7 × 7 आप सभी जानते हैं कितने होते हैं, 49, और 49 में आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 × 22, यानी कि 88 का। तो 88 × 49 आप अलग से कर लोगे, फिर जो भी आएगा वहाँ पर आप इसको क्या कर लोगे, 3 से डिवाइड कर लोगे, क्योंकि 3 नीचे है यहाँ पर। तो 9 8 जो कितना हो जाएगा, 72 यहाँ पर 7, तो कैलकुलेशन इज़ द मेन पार्ट। यहाँ पर 72 और 7 हो गया, 9 8 जो 72 प्लस 7 कितना हो गया आपका 79, देन 4 से करेंगे, 4 8 जो 32 यहाँ पर हो जाएगा आपका, और 3 आ जाएगा, 4 8 जो 32, और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। तो 2 और यहाँ पर 11, 1 7 8 5 13, 1 और 3 और 1 4, तो 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देना है, 4 3 1 2 और डिवाइडेड बाई आपको क्या कर देना है, 3 कर देना है। तो 3 1 जो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, और 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 4 जो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 1 आएगा 3 3 जो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 आएगा 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1/3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो द करेक्ट आंसर विल बी 1/4 3/7 whole 1/3 cm³। तो जो आंसर फाइनली आप एग्जाम में दोगे अगर ये क्वेश्चन आता है, तो 1/3 cm³, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये आप नोट कर सकते हो। तो ये आपको फिर से करना है, आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है, और एनसीईआरटी बुक से आपको चेक करना है अपने आंसर को। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट ये है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। तो सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर मतलब ये हुआ कि जब आप उसको डालोगे वाटर में, तो उतने वॉल्यूम जो होगा वाटर का रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वही क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस। तो जो आपका सॉलिड स्फेरिकल बॉल है उसका डायमीटर 28 है, तो रेडियस हो जाएगी 14 cm। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 4/3 π की वैल्यू हो जाएगी 22/7, r³ का मतलब हुआ कि 14 × 14 × 14, 7 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 14, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर बेसिकली होना क्या है कि 4 × 22 × अब बेसिकली कैलकुलेशन आपको करनी होगी, तो 14 × 14 196 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर और इंटू 2, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है, एक बार इतना नोट कर लीजिए आप, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एक तरह से आप कह सकते हो कि 22 4 जा कितना हो जाएगा 88 यहाँ पर आएगा ही आएगा,
और 196 इंटू दो आपको करना है, तो 196 इंटू दो हो जाएगा आपका 392। तो बेसिकली आपको 392 में 88 का मल्टीप्लाई करके 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 88 यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखो 88 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ 8 से करोगे, जो भी नंबर आएगा उसको क्या करना है, एक डिजिट छोड़ करके आगे लिख देना है। तो 82 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, यहाँ पर 1 आएगा, 89 जा 72 प्लस 173 हो जाएगा 7 आएगा, 83 जा 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 31 आ जाएगा। तो इसी नंबर को आगे लिख देना है, दैट मीन्स यहाँ पर 6313 हो जाएगा। तो 66 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं, लेकिन उसके पहले आप क्या करोगे, इस चीज़ को नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद हम लोग करेंगे 34496 को 3 से डिवाइड, 34496 और 3 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। तो 3 1 3, ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 34496, इफ़ एवरीथिंग इज करेक्ट, 4 into 22 196, और यहाँ पर यस, फोर बाई 3 into 22 by 7 into 14 into 14 into 2 हो जाएगा। 7 2 14 और 14 14 और ये हो जाएगा आपका इतना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है आपको, 3200 तो अगेन बेसिकली यहाँ पर क्या होगा आपका, 3 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका जाएगा कितनी बार, 3 4 12, 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। देन आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा 9। तो 3 यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो 3 9 जो हो जाएगा 27 और यहाँ पर 2 बचेगा 6 आ जाएगा और 3 8 जो क्या हो जाएगा आपका 24। तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 11498 होल 2/3 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका 2 आया है और यहाँ पर आपका डिवाइजर जो है वो क्या है 3 है। तो 11498 होल 2/3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आप नोट कर लोगे, तो सिंपल सा डिवीज़न है यहाँ पर 498 होल 2/3। तो इस तरह से कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी यूनिट आ जाएगी, यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा जब हम हेमिस्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करेंगे किस में, जो आपका वाटर फील्ड है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेल्फ अटेम्प्ट। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं, द डायमीटर ऑफ अ मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो मास होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये फार्मूला याद रखना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस मास को निकाल पाओगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, और हमें डेंसिटी इज गिवन 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम को निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायमीटर आपको दिया गया है मेटलिक बॉल का, तो रेडियस की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर रेडियस हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, 2.1 हो जाएगी, क्योंकि आधी होगी रेडियस, तो 2.1 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। 4/3 π की वैल्यू 22/7, आर क्यूब का मतलब हुआ 2.1 × 2.1 × 2.1। अब इसके बाद आपको इसको अभी कैलकुलेट नहीं करना है, आगे आप सबसे पहले डेंसिटी को यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, मास आपको निकालना है, इसका मास निकालना है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आपकी कितनी है, 8.9। यूनिट वगैरह आप देख लेंगे कि जो डेंसिटी में यूनिट है क्या वही सेम यूनिट में आपका वॉल्यूम दिया गया है, या फिर डायमेंशन दी गई, रेडियस वगैरह, सेंटीमीटर में दोनों चीज़ें दी गई हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वॉल्यूम की वैल्यू को रख देंगे तो सबसे पहले क्या ये 7 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 7 से बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7 थ्री जा होगा 21, 3 से अगेन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 0.7। तो बेसिकली हमारे पास चीजें क्या आ गई कि 4 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 0.7 इंटू 8.9। इतनी इज क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज क्लियर है, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब आगे कैलकुलेट करोगे तो आपका इसको कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 345.39, इतने क्या हो जाएगा आपका ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यूनिट आपकी ग्राम में दी गई है तो ग्राम में ही इसका आंसर आएगा। तो द आंसर विल बी 345.39 ग्राम। इतनी चीज क्लियर है, अप्रॉक्स आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 38 पॉइंट ये चीज आएगी, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो जस्ट आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई जब आप यहां पर करोगे तो इस तरह से ये चीजें कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी। इतनी चीज क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मून का जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द अर्थ है। तो डायमीटर अगर 1/4 ऑफ द अर्थ है तो रेडियस आपकी क्या होगी, उसमें आपको रिलेशन सबसे पहले निकाल लेना है। तो रेडियस भी क्या होगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अगर डी, ये D1 D2 कुछ भी ले सकते हैं, तो DM आपका डायमीटर ऑफ द मून है और डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या है, D। तो इसका 1/4 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, DM मिल रहा है, ठीक है, ओके। इतनी चीज क्लियर है। अब 1/4 दिया गया तो यहाँ पर बेसिकली 2RM, सफिक्स में RM लगाएंगे यहाँ पर, 2RE और डिवाइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। बताइए, इतनी चीज आपको क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 202 कैंसिल आउट हो जाएगा, RM इज इक्वल टू RE डिवाइडेड बाई 4, RM इज इक्वल टू RE डिवाइडेड बाई 4। तो वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है कि यानी कि वॉल्यूम जो मून का है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का क्या फ्रैक्शन है। तो दोनों के वॉल्यूम को सबसे पहले निकालेंगे, फिर हम बताएंगे कि इतने पार्ट है, जैसे सपोज करिए 1/4, 1/5, 1/6, व्हाटएवर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल में लेकर के आएंगे। तो अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ को हम निकालेंगे तो 4/3 क्या हो जाएगा, पाई आर ई क्यूब, 4/3 पाई आर ई क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ मून हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर एम क्यूब, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, यहाँ से हम रिलेशन रख सकते हैं, आर एम की वैल्यू आर ई बाई 4 और इसका क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू को, तो वी एम यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/3 पाई, आर एम की वैल्यू है आर ई बाई 4 और इसका क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि वी एम को भी हमने आर ई में कन्वर्ट कर लिया, ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं खास, क्योंकि यही आपके फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। वैसे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आर ई क्यूब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, 4/3 पाए आर ई क्यूब अपॉन में 64 हो जाएगा, ओके। ये चीज क्लियर है। चलो अब देखते हैं आगे, इसको हम वी एम जो है वो V का क्या फ्रैक्शन है, आपको ये निकालना है। तो V और VM में बेसिकली आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम V इज इक्वल टू यहां पर मान लेते हैं आपका V और VM का सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
क्योंकि जब आप रेशियो निकालोगे तभी आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा फैक्टर है वो जो बच रहा है, तो वही आपका क्या होगा फ्रैक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कि इतने फैक्टर आपका क्या होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पे बेसिकली वी और वीएम का रेशियो। तो वी और वीएम जो होगा आपका, वी इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वीएम इज वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो होगा आपका वो ऑलरेडी 4/3 पाई आर ई क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ मून क्या है 4/3 पाई आर ई क्यूब अपॉन में 64 है। तो इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी चीज़ इससे कैंसिल आउट, तो ऊपर जाएगा तो 64 हो जाएगा, यानी कि जो V है वो 64 इंटू वीएम है, जो V है वो 64 इंटू वीएम है। तो V इज इक्वल टू 64 इंटू वीएम का मतलब क्या हुआ कि अगर हम वीएम को निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/64 इंटू V हो जाएगा। तो वीएम यानी कि हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है, यानी 64th पार्ट है किसका, अर्थ का। ये चीज क्लियर है, तो ये क्वेश्चन डन हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना सेंटीमीटर होल्ड। तो जब भी आपको कैप्सिटी निकालनी हो या वाटर या मिल्क कितना होल्ड करता है कोई भी आपका बॉल है या फिर वॉट एवर, तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम को निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम हो जाएगा, अब हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सबसे पहले डायमीटर दिया गया है यहाँ पर, तो डायमीटर को रेडियस में निकाल लेंगे तो रेडियस हो जाएगी यहाँ पर आपकी 5.25। तो इस तरह से आप 22/7 रख सकते हो, क्योंकि जो 5.25 है वो क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो पाई की वैल्यू को डेफिनेटली यहाँ पर क्या रख देंगे, 22/7 रख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5.25 और 5.25। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बेसिकली क्या करना है, हमें लीटर में आंसर देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और जब भी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा और आपको लीटर चाहिए तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो 1 लीटर होगा वो क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले 3 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 3 से ये नंबर डिविजिबल है और 7 से भी ये नंबर डिविजिबल है, और ये 3 बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा आपका, 3 7 जा क्या हो जाएगा, 21, 3 5 जा 15, इससे डिनोमिनेटर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, 7 7 जा हो जाएगा 49 एंड 7 5 जा हो जाएगा आपका 35। तो ये वैल्यू बेसिकली आ गई यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 11, और ये हो जाएगा 1.75। तो 2 का फैक्टर मैं क्यों अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं, और 5 के मल्टीपल जब भी 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, तो इसलिए हम 2 को अलग कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1.75 हो जाएगा और 0.75 × 5.25। बताइए इतनी चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आई होप यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब क्या करना है, आपको बेसिकली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 303 सेंटीमीटर क्यूब। 303 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप इतना आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, 3000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा आपका 303 अपॉन में 1000, तो 0.303 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक।
तो हेमिस्फेरिकल टैंक है और जो थिकनेस ऑफ द आयरन सीट है दैट इज 1 सेंटीमीटर थिक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यूनिट यहाँ पर अलग अलग दी गई, तो सबसे पहले वर्क ये होगा कि आप उनको सेम यूनिट में लेकर के आओगे। तो 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्या है आपका 1 मीटर है। उसके बाद जो है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है आपको, आयरन का जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ होगा, क्योंकि जो आपका मटेरियल है वो आपकी क्या है सिर्फ एक थिक पार्ट में होगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आउटर रेडियस से वॉल्यूम निकाल लीजिए, फिर इनर रेडियस से वॉल्यूम निकाल, और दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले इसीलिए आपको यहाँ पर थिकनेस दी गई, तो थिकनेस दी गई है तो जब भी आप इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड करोगे तो आपको आउटर रेडियस मिल जाएगी। तो आउटर रेडियस को अगर मैं आर ओ बोल दूं और इनर रेडियस क्या है आपकी आर आई है, या फिर आर वन आर टू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर ओ जो होगा वो होगा आपका 1 मीटर और प्लस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है। तो 1 सेंटीमीटर की थिकनेस का मतलब हुआ कि 0.01 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.01 मीटर हो जाएगा। जो इनर रेडियस है वो आपको 1 ऑलरेडी गिवन है, तो बस आपको दोनों रेडियस मिल गए, तो दोनों के वॉल्यूम का क्या ले लेंगे डिफरेंस। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज जो होगा, वॉल्यूम ऑफ द आयरन जो होगा वो क्या होगा 2/3 pi, ये दोनों में आएगा। इसके बाद जो है आपका 1.01 इसका होल क्यूब माइनस 1 क्यूब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसी को हमें क्या करना है बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो जब आप यहाँ पर क्यूब वगैरह निकालोगे इसका और माइनस करोगे 1 के क्यूब जो कि 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.30301, ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। तो ये 2/3 आपका क्या, आपको क्या करना है सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर 22/7 रख दीजिए पहले। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1.01 का क्यूब ही तो निकालना है, जो भी आएगा 1 माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे इसको करेंगे कैलकुलेट, तो हो जाएगा 0.06348, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम और सारी यूनिट मीटर में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। ओके ये चीज़ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि सरफेस एरिया हमें क्या करना है यहाँ पर इक्वेट कर देना है जो भी होता है। तो 4πr² होता है सरफेस एरिया और 154 के सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 154 हो गया, ये सब 7 के मल्टीपल हैं, आपको ये याद रखना है। 525 हो गया, 105 हो गया, ये सब 7 से डिविजिबल नंबर है। तो जब भी आपको इस तरह के नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही नंबर आपको घुमा फिरा करके दिए जाएंगे, तो जब भी इस तरह के नंबर मिलेंगे तो पाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आप प्रेफर करोगे कौन सी, रैशनल वाली, यानी कि 22/7 वाली। डेसिमल वाली यहाँ पर नहीं लेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर 154 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 154 इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इंटू 22। अब देखिए 154 यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा आपका 11 से, तो 11 से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 11 टू जो हो जाएगा आपका
सॉरी, और यहाँ पर 11 टू जा हो जाएगा 22, 11 वन जा 11, और यहाँ पर 11 फोर जा क्या हो जाएगा 44। तो दो से सिंप्लीफाई कर देंगे आप, 27 जा तो 7 स्क्वायर अपॉन में 4 इस 2 स्क्वायर, तो बेसिकली आर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2 हो जाएगा। बताइए इतनी चीज क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पर वैल्यू को रख दोगे। तो यहाँ पर बेसिकली अब आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, वैल्यू को रख देना है 4/3। जो पाई है वो क्या है आपको 22/7 है, आर क्यूब का मतलब हुआ 7/2, 7/2 और 7/2। ओके, तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब आप देखोगे कि यहाँ पर और भी नंबर कट गए, तो 2 से कटेगा 11 बार, 2 से सिंप्लीफाई होगा 4 यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 49 × 11। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 11 × 49, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3। द आंसर विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ऑल यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो 179/3 आ जाएगा, 179/3 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 7 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फेयर, तो डोम ऑफ अ बिल्डिंग जो है वो हेमीस्फेयर है, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। तो 498.960 ये आप करेक्शन कर लेंगे, 498.96 है, तो ये कर लीजिए करेक्शन 498.96। तो 4989 पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट का ध्यान रखेंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये करेक्शन करेंगे, 498.96 जो है वो आपको रुपी लग रहे हैं, टोटल कॉस्ट है आपकी इतनी। और आगे एक करेक्शन और है कि ये 2 रुपीस पर स्क्वायर मीटर है, जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी है, तो यहाँ पर जो है आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी 20 रुपीज़ नहीं है, सिर्फ 2 रुपीज़ है। तो इसको कर देना है आपको पर स्क्वायर मीटर, यहाँ पर फाइंड द इनसाइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी है, क्योंकि जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी। वाइट वॉशिंग के लिए जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर एरिया आपको पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है, कि 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए आपको 2 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो आगे मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो आपका टोटल एरिया होगा वो अगर हमें फाइंड करना है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकालना है, तो टोटल कॉस्ट यहां पे आप कर दोगे टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट है आपकी 498.96 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपकी कितनी है, 2 है। बताइए इतनी चीज क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी? तो जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इनर, दैट इज 249.48। तो 249.48, तो दिख रहा है 96 का आधा 48 और 498 का आधा कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। तो दिस इज द इनर सरफेस एरिया
और आप सभी को पता है कि जो हेमिस्फीयर है, अगर आपको इसकी रेडियस निकालनी तो हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया से इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स कि जी इक्वल हो जाएगा आपका 2πr² के। तो एक बार इतना नोट कर लीजिए, देन मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ जो उसका सेकेंड पार्ट है। बेसिकली वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका सरफेस एरिया आया, इनर सरफेस एरिया, उसको आप हेमिस्फीयर के इनर सरफेस एरिया से इक्वेट कर देंगे। तो ये एरिया हो जाएगा इनर सरफेस एरिया, इसका मतलब हुआ कि 2πr² 2πr² से अगर कंपेयर करेंगे तो पाई की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, देन आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मैं हटा देता हूँ एक बार, तो देखिए आगे करते हैं इसको कंप्लीट। तो 2πr² मतलब 2 × 22/7 × r² और ये हो जाएगा 249.48। बताइए कहानी क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, बेसिकली देखते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो 9 और 2 11, 11 और 8 19 और -8, तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर r² 249.48 × 7 अपॉन 2 × 22। ये चीज क्लियर है। अब देखो 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर। तो इट्स जस्ट कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन करना है सीधे सीधे यहाँ पर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट द आंसर 39.69 r² आएगा। ठीक है, तो जो r आ जाएगा वो आ जाएगा 6.3 अप्रॉक्स। तो r हमारा आ गया 6.3 मीटर। इतने मीटर हमारी क्या आ गई है, रेडियस आ गई है। अब हम लोग वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड, अब यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम होगा वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि जो आपका डोम का शेप है दैट इज हेमिस्फेरिकल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और फिर वॉल्यूम को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप सभी जानते हैं 2/3πr³ हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr की वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू है 6.3 × 6.3 × 6.3। तो r³ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 63 में 7 का फैक्टर है, तो इसका मतलब हम पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7, 7 से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो जब ये कैलकुलेशन करोगे आपको, तो आंसर यू विल गेट 523.9 m³। 523.9 m³। तो बेसिकली कैलकुलेशन करना इस आपको प्रैक्टिस करनी है, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आई कैन टेल यू कि यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो जो न्यू स्फीयर बनेगा आपका, जो 27 सॉलिड को मेल्ट करने पर उसका आर डैश रेडियस निकालना है। तो वॉट नेवर चेंज, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। जिस भी चीज़ का स्फीयर होगा वो आयरन का होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन विल नेवर चेंज। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम। यानी कि 27 स्मॉल जो आपके सॉलिड आयरन स्फीयर है उनको जब आप मेल्ट करके एक बड़ा हेमिस्फीयर या स्फीयर बनाओगे, तो उस सिंगल का वॉल्यूम 27 के वॉल्यूम से इक्वल कर देना है, इक्वेट कर देना है। सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम विल नेवर चेंज। तो यहाँ पर वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, तो आइए वॉल्यूम को हम इक्वल करते हैं। तो वॉल्यूम जब इक्वल करोगे
तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि ये कंप्लीट स्फीयर है, तो कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, और यहाँ पर 27 है, तो इस तरह से कर दिया। अब मान लीजिए जो आपके नए स्फीयर बनकर आया है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज आर डैस, मान लीजिए आर डैस वॉल्यूम है, सॉरी उसकी जो रेडियस है वो आर डैस है, तो जब आर डैस रेडियस होगी तो क्योंकि सब कुछ यहाँ पर डैश पे दिया गया तो आर डैस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। तो बेसिकली आर और आर डैस में क्या रिलेशन है आपको ये फाइंड कर लेना है सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया मेल्टेड टू फॉर्म स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैस, फाइंड द रेडियस आर डैस ऑफ द न्यू स्फीयर, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैस। तो S एंड S डैश का रेशियो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले R डैश की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, चलिए R डैश की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली फाइंड करेंगे। और यहाँ पर याद रखना जो R डैश की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट नहीं आएगी, वो स्मॉल हेमीस्फीयर के जो रेडियस है उसके टर्म्स में आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा r अपॉन r डैश और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, 1/ क्या हो जाएगा 27, ओके। तो r अपॉन r डैश कितना हो जाएगा 1/3, तो r डैश की जो वैल्यू आएगी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3r आ जाएगी। तो न्यू हेमीस्फीयर जो होगा उसकी रेडियस ट्रिपल होगी जो के स्मॉलर हेमीस्फीयर 27 वाले होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, 27 आपका यहाँ पर हेमीस्फीयर है, तो ये रिलेशन हो गया। अब आइए हम लोग एस और एस डैश को निकाल लेते हैं। तो एस एंड एस डैश को निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम का रेशियो ले लेंगे। तो वॉल्यूम का जब आप रेशियो लोगे यहाँ पर सॉरी सरफेस एरिया का रेशियो ले लेंगे, तो सरफेस एरिया का जब रेशियो लेंगे तो एस हमारा क्या है, सरफेस एरिया है स्टार्टिंग वाली कंडीशन में, तो वहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा 4πr² हो जाएगा, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया दैट इज एस डैस वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 4πr² का स्क्वायर। तो आर डैस की वैल्यू यहाँ पर 3r रख देंगे, यहाँ 4π से 4π कैंसिल आउट, तो r² upon 3r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9r² और ये हो जाएगा r², इससे ये कैंसिल आउट। तो s और जो s डैश है उसका रेशियो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1:9। आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आंसर जो है 1/9 आ रहा है, तो 1:9 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए दोनों पार्ट, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, इसको आप नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ हेमी स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। तो मेडिसिन कैप्सूल है कोई 3.5 जो है आपका mm डायमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, कितनी मेडिसिन कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5। तो स्फीयर ऑफ डायमीटर यानी कि जो कैप्सूल है वो कैसा है, स्फेरिकल है। तो अगर स्फेरिकल है तो हमें मेडिसिन का वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेसिकली निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr³, तो V हो जाएगा 4/3, जो पाई है स्टूडेंट्स वो 22/7 रख सकते हो क्योंकि जो डायमीटर है उसमें 7 का फैक्टर है, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 2 और 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 से सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 जो 35, 2 से कट जाएगा 2 से 11 बार, तो बेसिकली आएगा 11 × 0.5 × 3.5 × 3.5 / 3, तो ये फाइनल कैलकुलेशन करनी है आपको 11 × 0.5 × 3.5 × 3.5
और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 22.46 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड में क्या कर देना है, 3 कर देना है। ओके, तो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम। वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द 4 एक्सरसाइज, तो यू कैन कम्प्लीट ऑल्सो वेरी वेल फ्रॉम दिस क्लासेस। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो डेफिनेटली आप फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।